अपना अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ यू इक्वल्स टू टैन इनवर्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, देन प्रूव दैट ये इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर यू इंटू साइन टू यू। यहाँ पे हमको स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ, यहाँ पे अगर तुमको पूछा होता कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो हम लोग निकाल सकते थे कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले इसको अपन सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, जब ये वेरीफाई होता है इसके साथ तब हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये सोचते हैं कि यहाँ हम जो निकालें इसके स्टेप्स क्या है एकदम करेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सेकेंड वाला स्टेप निकालने बोला डायरेक्टली, तो क्या होगा, ये थोड़ा रिस्की रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा कॉशियस रखना, ताकि हम लोग एक एक वैल्यू को सही निकाल लें, बाद में अगर ये वैल्यू नहीं आया तो फिर ये क्वेश्चन वहाँ पर पूरा रॉन्ग कहलाएगा फिर। ठीक है, देखो दिस इज गिवन, आपको क्या दिया बताओ, गिवन यू इक्वल्स टू टैन इनवर्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आपको दिया हुआ है, तो इसको अपन यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो बताओ तुम्हें क्या हो जाएगा, टैन यू इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। मुझे क्या चाहिए, यू चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिया, टैन यू दिया हुआ है, तो दिस इक्वल्स टू एफ सपोज। ओके नाउ हियर एफ इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसा, मीन्स दिस इज एक्स के पावर वन एंड दिस इज फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक्स की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पे वन जाएगी, तो हियर देन एक्स सॉरी एन इक्वल्स टू वन, दैट इज यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री वन, वन क्या है, एन की वैल्यू है, तो फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, थ्योरम वी नो एक्स डेल, यहाँ पे देखिए आपको फंक्शन जो है किस में दिया, एफ में दिया हुआ है, तो दिस इज एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन टाइम्स एफ, एन की वैल्यू कितनी है, वन है यहाँ पे, तो दिस इज एक्स, एफ की एफ क्या है आपका, टेन यू, तो दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स टेन यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई टेन यू इक्वल्स टू एन आपका वन है और एफ आपका क्या है, टेन यू है, तो दिस इज टेन यू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स इसका बताओ क्या होगा, सेक स्क्वायर यू, और ये आपको क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस सिमिलरली ये आपको क्या हो जाएगा, वाई इंटू सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू टेन यू। यहाँ पे सेक स्क्वायर यू आपको कॉमन निकल जाएगा, वहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, तो दिस विल बिकम एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू टेन यू, दैट इज साइन u अपॉन कॉस यू, यहाँ पर क्या है, सेक्स स्क्वायर यू नीचे आएगा, उसको मूव भेज देंगे, तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर यू, तो यहाँ पे एक इससे कैंसिल हुआ, तो दिस इज साइन u कॉस u, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, टू आएगा, तो दिस इज टू साइन u कॉस u। अब इसको हम यहाँ पर उतार दे रहे हैं, दिस इक्वल्स टू ये आपका हाफ रहेगा, दिस विल बिकम साइन टू यू, तो हाफ साइन टू यू, ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है, तो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर वन। अब हम क्या करेंगे, हमको ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसमें एक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो वही पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे वन आएगा बिकॉज इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पार्शियली वन रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू यहाँ पर क्या जाएगा, हाफ बाहर निकल जाएगा, तो साइन टू यू विल बी कॉस टू
यू, यहाँ पे टू मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा, तो ये टू टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसको यहाँ पे लिख दो यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको वहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, तो दिस विल बी यहाँ पे कॉस टू यू बाहर निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा वन, तो कॉस टू यू माइनस वन यहाँ पर आपको आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइंग एक्स बोथ साइड्स, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू कॉस टू यू माइनस वन इंटू एक्स टाइम्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे उस इक्वेशन नंबर वन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और ऐसा कुछ इक्वेशन वहाँ पे फिर निकालेंगे, तो पार्शियली पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपको क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई सॉरी दिस विल बी एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस यहाँ पे दो बार होगा, तो दिस विल बी एक्स सॉरी वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ ब्रैकेट में आएगा वन इक्वल्स टू सेम हाफ कॉस टू यू, यहाँ पे आएगा टू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, तो दिस विल बी एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको वहाँ भेज देंगे, तो दिस विल बी ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस टू यू माइनस वन डेल यू अपॉन डेल वाई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग वाई बोथ साइड्स वी गेट एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस टू यू माइनस वन वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये आपका हो गया। तो लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री, तो एडिंग टू एंड थ्री वी विल गेट एडिंग टू एंड थ्री वी गेट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू यहाँ पर आपका आएगा कॉस टू यू माइनस वन, यहाँ पर आपका आएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे दिस इज कॉस टू यू माइनस वन, दिस इज हाफ साइन टू यू। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर यू माइनस वन इंटू हाफ साइन टू यू, अब यहाँ पे वन और ये वन कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज माइनस टू साइन स्क्वायर यू साइन टू यू अपॉन टू, तो ये टू टू कैंसिल, तो दिस इज माइनस साइन स्क्वायर यू इंटू साइन टू यू, हेंस प्रूफ्ड हो गया।